वेलकम टू रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके 12th एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम। तो चलिए हम थ्योरम को भी करते हैं। स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर अ स्फेरिकल सरफेस। ये क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर अ स्फेरिकल सरफेस। तो ये मैं बताने से पहले मैं कुछ पीछे जाना चाहता हूँ कि मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में कि ये क्या है, कोई सरफेस है। इस सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेगा, ये सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेगा उसी को इसका क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन तो मैंने ये बताया था कि कोई सरफेस है, सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे डिनोट किए थे, फाई से, और इसका फाइनल आंसर कितना आया था, ई डी एस, इतना आया था। ये था क्लोज सरफेस, ये जो आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते थे क्लोज सरफेस, ये हो गया आपका क्लोज सरफेस। तो इसमें इतना जो हमारा आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, इसको ये शो करना है भी कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये जो है शो करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये हमको अभी इस थ्योरम में शो करना है। चलिए तो हम देखते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। देखिए मैंने क्या बताया था अभी, जितना भी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखिए, ये देखिए फाइ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, ये आपका इतना क्या है, हो गया आपका, हो गया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी दिखाना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह इक्वल है किसके, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ये बोल रहा है कि दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज विद इन दी क्लोज सरफेस। देखिए मैंने एक क्लोज सरफेस लिया हुआ है, इसमें चार्ज कितना है, क्यू, टोटल चार्ज कितना है, क्यू, टोटल चार्ज विद इन दी क्लोज सरफेस। तो मैंने जैसे बताया था अभी कि इतना क्या है आपका, आपका ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इतना क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये शो करना है हमको, अभी प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह किसके इक्वल होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्या है ये टोटल चार्ज विद इन दी क्लोज सरफेस। क्यू क्या है, इसमें जितना चार्ज है सरफेस क्लोज सरफेस में वो है क्यू, प्लस क्यू या क्यू बोलिए एक ही चीज है। तो चलिए हम लोग प्रूफ में जाते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो ये देखिए क्या है, क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में एक हम छोटा सा एरिया ले लिए, एक कोई छोटा सा सरफेस ले लिए, इस सरफेस देखिए चार्ज कितना है ये क्यू प्लस क्यू, कहाँ पर चार्ज है ये सेंटर पर चार्ज है, इसका रेडियस क्या है आर, और ये पॉइंट जहाँ सरफेस लिए हम लोग वहाँ पॉइंट क्या है पी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है। तो हम लोग को क्या करना है कि इस पूरे सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा क्रॉस करेगा वो हमको अभी निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, यहाँ पर जो है पी पॉइंट पर इस सरफेस पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हम लोग लिए हैं सरफेस स्मॉल अमाउंट में, ये पूरा बड़ा हो गया आपका एस, तो ये इसका छोटा हिस्सा हो गया। इस हिस्से में देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्रॉस कर रहा है, तो इसको निकाल करके क्या करेंगे, पूरे से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो हमारा पूरा इनक्लोज सरफेस के लिए, इस क्लोज सरफेस के लिए हमारा निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कंसिडर अ क्लोज स्फेरिकल सरफेस एस, एक सरफेस क्लोज, देखिए एक क्लोज सरफेस है, क्लोज स्फेरिकल सरफेस। कंसिडर अ क्लोज स्फेरिकल सरफेस एस, ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सरफेस। ओ क्या है, ओ इसका सेंटर है,
ये सरफेस का सेंटर क्या है आपका, ओ है। वाइल इट्स रेडियस इज आर, इसका आप देखिए रेडियस क्या है आपका, ये रेडियस जो है ये रेडियस आर है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कंसीडर ए क्लोज स्फेरिकल सरफेस एस, एस क्या है एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस है। ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सरफेस, ओ क्या है इसका सेंटर है। वाइल इट्स रेडियस इज आर, उसका रेडियस क्या है आर है। अब देखिए इस चार्ज के बारे में, जो आपका ये प्लस क्यू चार्ज है उसके बारे में अब हम लोग आगे चलते हैं। प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सरफेस, प्लस क्यू चार्ज जो है आपका सेपरेट कहां पर है, ये सेंटर पर, देखिए ये पॉइंट पर है, जो वो सेंटर मिड इस सरफेस के सेंटर पर चार्ज क्या है प्लस क्यू, यही तो बोल रहा है ये पॉइंट कि देखिए प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सरफेस, सरफेस के सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है। अब आगे चलते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, इस प्लस क्यू के चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगेगा इस पी पॉइंट पर, अभी हम लोग वो निकालेंगे। हम लोगों ने इसको पहले भी निकाला था, आज फिर से निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लिए। ये हम लोग के लिए कोई नया चीज नहीं है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, इसको आज भी जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर आपका वन हो गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू स्मॉल सरफेस ds, अब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या करेंगे, अभी हम इस पॉइंट पर निकालेंगे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लोग स्मॉल सरफेस लिए हैं, ये क्लोज सरफेस में पूरे सरफेस में से एक छोटा सा हिस्सा लिए हैं, ये स्मॉल सरफेस है, इसमें कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास करेगा, जो भी आएगा हमारा उसको क्या करेंगे उस पूरे से इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारा पूरा क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना क्रॉस कर रहा है वो निकल जाएगा। तो देखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल सरफेस ds, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ये मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब डिफिनेशन बताया था उसमें भी बताया था कि फाई इज इक्वल टू क्या ई डी एस, तो ये फाई इज इक्वल टू ई डी एस आप लोग याद कर लीजिए। फिर टी फाई इज इक्वल टू, ये देखिए क्या है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है तो ई डी एस कॉस थीटा होगा, जब डॉट प्रोडक्ट है तो क्या कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, कॉस जीरो डिग्री इक्वल टू वन, डी फाई इक्वल टू ई डॉट प्रोडक्ट, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट लगा दिए ये डी एस, ये हमारा आ गया स्मॉल सरफेस के लिए, स्मॉल सरफेस के लिए ये मेरा आ गया, इसको क्या करेंगे अब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू क्लोज सरफेस एस, ये क्लोज सरफेस जो आपका है इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहेगा वो अभी हम लोग निकालेंगे। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया था कि जो हम लोग का स्मॉल सरफेस के लिए आया था ये डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, इसको हम लोग क्या करेंगे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा पूरे सरफेस के लिए निकल जाएगा। देखिए इंटीग्रेट कर दिए, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा एक गोल टाइप से, ये क्या है आपका क्लोज सरफेस को ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। फाई देखिए डी फाई को हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा फाई, अब देखिए ई का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, देखिए यहाँ पर ई स्क्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल दिए, अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया डी एस, आपका डी एस यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये सरफेस ऑफ स्फीयर कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया का स्फीयर कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो देखिए फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये तो आपका ई का वैल्यू था, अब यहाँ पर डी एस का जो वैल्यू है ये क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया फाई। अब यहाँ से क्या बच गया 1/ नॉट,
ये 1/ε0 आपका यहाँ रह गया और ये क्यू जो है आपका यहाँ रह गया। यही तो हम लोग को अभी निकालना था कि टोटल सरफेस जो था हमारा क्लोज सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा था वो निकालना था हम लोग को। जो देखिए ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया φ=1/ε0 × Q। ये क्या है आपका, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है आपका, ये यहाँ तक जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया और इधर ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका गॉसेस सीरम, गॉस पूरे का इसको क्या बोलते हैं गॉसेस सीरम। इतना आपका हो गया आपका ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये अगर पूरा हो गया तो आपका गॉसेस सीरम। तो हम लोग का गॉसेस सीरम जो है पूरा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब ये जो हमारा क्या है φ=2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला क्या होता है EdS, इंटीग्रेशन EdS। और अभी हम लोग जो निकाले हैं ये किसके इक्वल हो गया 1/ε0 × Q। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लगभग हर एक साल पूछा जाता है कि स्टेट्स गॉसेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम। तो ये क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से करना है तैयार एग्जाम के लिए और आगे भी आप लोगों को ये काम आएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।